फाटस अर्जुन कपूर बने दीपिका पादुकोण के देवर, ननद है एक रेस तो सास ससुर जीते हैं रॉयल लाइफ। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने 14 से 15 नवंबर को इटली के लेक कोमो में साथ फेरे लिए। खबरों की माने तो दीपिका और रणवीर जल्द ही अपने परिवार के साथ भारत लौटेंगे। मुंबई में रणवीर सिंह के घर पर नई नवेली दुल्हन के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। पूरे घर को लैंप और लाइट से सजा दिया गया है। इन सारी तैयारियों का जिम्मा रणवीर की मां अंजू भवनानी उठा रही हैं। अंजू भवनानी खुद अपनी बहू दीपिका को इटली से भारत लेकर आएंगी और मुंबई स्थित घर में उनका भव्य स्वागत होगा। बता दें कि दीपिका के ससुराल में 4 लोग हैं। दीपिका के पति रणवीर के अलावा सास ससुर और एक ननद ऋतिका भी हैं। रणवीर सिंह अपने पिता जगजीत सिंह भवनानी के बेहद करीब हैं। फादर्स डे के मौके पर रणवीर ने पिता के साथ एक बेहद प्यारी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसमें रणवीर अपने पापा को चूम रहे थे। दीपिका और रणवीर की शादी के बाद भवनानी ने कहा, ये दीवानी तो भवनानी हो गई। रणवीर की मां अंजू भवनानी को अक्सर इवेंट में देखा जाता है, वो भी अपने बेटे की तरह काफी स्टाइलिश हैं। हालांकि अंजू लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करती हैं। बता दें कि रणवीर ने एक बार कहा था कि उनकी एक नहीं दो माएं हैं। दरअसल रणवीर अपनी बड़ी बहन ऋतिका को भी माँ मानते हैं। एक बार रणवीर ने कहा था कि उनकी दीदी ऋतिका से उन्हें इतना प्यार मिला कि वो बिगड़ गए हैं। रणवीर की बहन शादीशुदा हैं और एक ट्रेस के तौर पर काम कर चुकी हैं। रणवीर एक फैमिली मैन हैं और उनका परिवार ही उनकी ताकत है। वहीं दीपिका के घर में भी मॉम डैड के अलावा एक बहन अनीशा है, जो गोल्फ की बेहतरीन खिलाड़ी है। रणवीर सिंह का अनिल कपूर के परिवार से भी रिश्ता है। दरअसल रणवीर सिंह एक्टर अनिल कपूर की पत्नी सुनीता कपूर भवनानी के भतीजे हैं। इस तरह वे सोनम कपूर और रिया कपूर के कजन भी हैं। सोनम कपूर भी अब दीपिका पादुकोण की ननद बन चुकी हैं। इसके अलावा बोनी कपूर के बेटे अर्जुन कपूर से रणवीर सिंह की अच्छी दोस्ती है। इस नाते अब वे भी दीपिका पादुकोण के देवर हो चुके हैं।